आज की जो हमारी क्लास रहेगी DLED की, उसमें हमने जैसे कि लास्ट क्लास में पढ़ लिया है गति के नियमों के बारे में। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम एंड तृतीय नियम के बारे में। उसी से संबंधित आज हम इसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो करेंगे, ठीक है। हम 5 to 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें करेंगे और उसके अलावा भी कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें बनते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके जो बन सकते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? जिसने गति के तीन नियमों के बारे में बताया, गति के तीन नियम दिए, उसी को हम क्या कहते हैं? भौतिकी का पिता कहते हैं। तो गति के तीन नियम किसने दिए? न्यूटन ने। तो जो भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को। आंसर क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन। आप लोगों के में इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके में फर्स्ट जो रहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं, जिसमें आपके पांच ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसमें आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपके उसमें काम आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर है न्यूटन। फिर दूसरा है, न्यूटन के गति विषयक नियम किस पुस्तक में प्रतिपादित किए गए हैं? जो न्यूटन वैज्ञानिक हुए, उन्होंने गति के तीन नियम दिए। सभी को पता है गति के कितने नियम दिए? तीन। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो गति के उन्होंने तीन नियम दिए हैं, तो वो किस पुस्तक में उन्होंने लिखे, किस पुस्तक में उनका वर्णन किया? तो जो गति के तीन नियम न्यूटन ने दिए, उसका उन्होंने प्रिंसिपिया पुस्तक, बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपिया पुस्तक में प्रतिपादन किया। किसमें किया? प्रिंसिपिया पुस्तक में प्रतिपादन किया, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें कि न्यूटन के गति के विषयक नियम किस पुस्तक में दिए गए, तो प्रिंसिपिया पुस्तक में। और किस सन में दिए गए? तो कब दिए गए? तो 1687 ईसा पूर्व में जो दिए गए हैं गति के तीन नियम। फिर क्वेश्चन बनता है आपका इसी गति के नियम से संबंधित, गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से हम जानते हैं? जो गति का प्रथम नियम है उसको और किस नाम से हम बता सकते हैं, समझ सकते हैं? तो गति के प्रथम नियम को ही हम क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। और जड़त्व का नियम जो है वो किसने दिया, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जो जड़त्व का नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया? तो जड़त्व के नियम का जो प्रतिपादन है वो किया है आपके गैलीलियो ने। क्या नाम है वैज्ञानिक का? आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं परीक्षा में कि जो जड़त्व का नियम है वो किसने प्रतिपादित किया, जड़त्व के नियम का किसने प्रतिपादन किया? तो जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किसने किया? गैलीलियो ने। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो बनता है, बल किसका गुणनफल है? जैसा कि मैंने आपको गति के दूसरे नियम में बताया था, बल बराबर क्या होता है? F बराबर क्या होता है? F बराबर mv, F बराबर ma। तो बल किसका गुणनफल हुआ? बल बराबर द्रव्यमान इनटू त्वरण। तो जो बल है वो किसका गुणनफल हुआ? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल से प्राप्त हुआ। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका त्वरण होगा। यदि कोई वस्तु सीधी रखी हुई है, मान लीजिए कोई उसमें हलचल नहीं है, कहीं वो जा नहीं रही है, कहीं घूम नहीं रही है, कहीं कुछ भी नहीं कर रही है, विराम अवस्था में जैसी रखी है वैसे ही रखी है, तो पूछ रहा है उसका त्वरण बराबर ए से प्रदर्शित करते हैं त्वरण को, तो त्वरण कितना होगा वो पूछ रहे हैं। तो यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, कोई गति नहीं कर रही है, तो उसका त्वरण भी कितना होगा? शून्य। कितना होगा? शून्य। तो इसका त्वरण होगा शून्य। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, गति के तृतीय नियम को और किस नाम से जानते हैं? जो गति का तीसरा नियम मैंने आपको बताया था उसे और किस नाम से जानते हैं? तो मैंने बताया था गति के तृतीय नियम को ही हम क्या कहते हैं? प्रक्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसे ही हम क्या बोलते हैं?
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या एक्शन रिएक्शन, ठीक है, एक्शन एक्शन रिएक्शन का बोलते हैं, ठीक है। तो गति के तृतीय नियम को भी हम क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब गति का तृतीय नियम क्या कहता है, जब भी हम किसी चीज पर बल लगाते हैं तो बदले में वो वस्तु भी उस वस्तु के ऊपर बल लगाती है। मतलब क्रिया के विपरीत ही प्रतिक्रिया होती है, क्रिया के विपरीत ही प्रतिक्रिया होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया की और उसके बदले में भी दूसरी क्रिया हुई तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इस प्रकार आज हमने न्यूटन के जो गति के नियम थे उससे संबंधित 5 से 6 से 8 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की है, क्या क्या होते हैं उससे। जो भी क्वेश्चन आपके बन रहे थे उसको मैंने कुछ क्वेश्चन काफ़ी हद तक मैंने उसमें डाला हुआ है। तो आज की क्लास में इतना ही, इन क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, समझिएगा, जो भी डाउट हो वो पूछिएगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम अपना न्यू टॉपिक है जो वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। यदि आपको दिखाई ना दिया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं।